गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम पार्ट टू। सबसे पहले डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्जन। डिफरेंस मैंने आपको बताया था एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के अंदर। डिजिटल सिग्नल हमारा एम्पलीट्यूड डोमेन और टाइम डोमेन दोनों के अंदर ही डिस्क्रीट होता है। तो टाइम डोमेन में डिस्क्रीट करने के लिए हम सैम्पलर यूज करते हैं और एम्पलीट्यूड डोमेन में हम डिस्क्रीट करने के लिए क्वांटाइजर यूज करते हैं। क्वांटाइजर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट लेवल के ऊपर उसको क्वांटाइज करता है। सपोज हमारा जो वैल्यू है सिग्नल की वो है 7.4 वोल्ट, तो उसे वो क्वांटाइज कर देगा। सपोज हमारा जो क्वांटाइज लेवल है वो 7.5 वोल्ट है, तो एक हमारी छोटी सी एरर आ जाएगी 0.1 वोल्ट की। तो क्वांटाइजर हमारा क्या काम करता है, एम्पलीट्यूड डोमेन में उसको डिस्क्रीट करता है। तो जब दोनों डोमेन में हमारा सिग्नल डिस्क्रीट हो जाता है तब हम उसे कह देते हैं डिजिटल सिग्नल। तो ये बेसिक थ्योरी है, ये आप इस नोट में से रीड आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है चैनल के ऊपर। चैनल हमारे कितने टाइप के होते हैं, गाइडेड चैनल भी होता है और अनगाइडेड। गाइडेड को हम कहते हैं वायर्ड चैनल और हम इसे यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर। दूसरा टाइप के चैनल है अनगाइडेड चैनल, इसे हम कहते हैं वायरलेस चैनल और ये हमारा यूज होता है रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर। हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ वायर्स है एंड आर यूज्ड इन गाइडेड कम्युनिकेशन, कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, वेव गाइड एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किस रेंज तक ऑपरेट करते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में से नहीं आता, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा इस टॉपिक के ऊपर आप टाइम लगाएं, सिर्फ 2 मिनट लगाइएगा इस टॉपिक पे, सिर्फ इसकी 2 स्लाइड्स हैं, इससे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि इसके अंदर कितनी रेंज का है और कितनी नहीं। तो कॉपर वायर के अंदर आपको याद है किलोहर्ट्ज़ तक काम करती है, कोएक्सियल केबल आपकी मेगाहर्ट्ज़ में, वेवगाइड आपकी गीगाहर्ट्ज़ में, फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी टेराहर्ट्ज़ में। अब सबसे मेन बात कि अगर हम इनको किसी और फ्रीक्वेंसीज पे यूज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। तो आंसर है व्हेन दिस वायर इज यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी देन स्टैंडर्ड वैल्यूज देन दीज देन दे विल मेल्ट डाउन। ये मेल्ट हो जाती है वायर अगर हम इनको इनकी स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी से ऊपर यूज करते हैं। अब जो हमारी कॉपर वायर है वो 2 टाइप के अंदर है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो आप इनके बेसिक डिफरेंस इंटरव्यू में कर सकते हैं, ये इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको टेस्ट की बात करें तो सिर्फ ये 4 पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट। ऐसे ही कोएक्सियल केबल हमारे पास होती है आरजी कनेक्टर्स होते हैं हमारे बीएनसी टीएनसी आरजी में आ गया, RG7 RG8 RG9 इनकी वैल्यू हमारी डाटा रेट पर डिपेंड करती है, RG50 RG75 ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। और इंटरव्यू के लिए भी मेन क्वेश्चन आता है कि हम वेवगाइड को कम फ्रीक्वेंसीज के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है रेक्टेंगुलर वेवगाइड की वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है टू द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अब जब हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब हमारे डायमेंशन ज्यादा हो जाएंगी, तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए वेवगाइड इतनी ज्यादा बल्की हो जाती है कि हम उसे यूज नहीं कर पाते। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी कांट यूज द वेवगाइड एट लो फ्रीक्वेंसीज। बाकी जो हम इसका डिटेल्ड पार्ट है वेवगाइड्स का जब हम वेवगाइड्स करेंगे तब करेंगे। वेवगाइड्स के लिए आप सब इतना ध्यान रखेंगे 3 टाइप की वेवगाइड्स है हमारी, पैरेलल प्लेट वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सर्कुलर वेवगाइड। पैरेलल प्लेट में हमारे तीनों मोड एग्जिस्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर में हमारे TETM, सर्कुलर में हमारे TETM। उसके बाद क्वेश्चन होता है कौन से डोमिनेंट मोड होते हैं। तो जो ये डोमिनेंट मोड्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम वेवगाइड स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको याद रखना है, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है उसके अंदर नंबर ऑफ मोड्स कितने एग्जिस्ट करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब चूंकि BSNL TDA के अंदर UGC नेट के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल सिलेबस के अंदर है, तो हमें इसके ये कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे 2 टाइप की होती है, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस इसके अंदर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम्स के लिए। आगे स्टेप इंडेक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। सिंगल मोड के अंदर नंबर ऑफ मोड्स नाम से ही पता चल रहा है 1 है, मल्टी मोड के अंदर नंबर ऑफ मोड है V/2। V है ये V नंबर होता है और इसका फॉर्मूला है 2π/λ, where lambda is the wavelength, a is the radius and n is the numerical aperture। तो इसके अंदर जो हमारे मोड्स होंगे वो V²/2 और ग्रेडेड इंडेक्स में हमारे होंगे मोड्स V²/4। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं, इसकी बेस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है।
नेक्स्ट है सैम्पलिंग थ्योरम। मैंने सैम्पलिंग क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि मेरे को पता है कि आपको सैम्पलिंग आती होगी, और सैम्पलिंग के अंदर भी अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सैम्पलिंग थ्योरम ही इम्पोर्टेंट है। सैम्पलिंग थ्योरम हमारी क्या कहती है, ए बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी विच हैज नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन ओमेगा हर्ट्ज मे बी कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट सैंपल्स टेकन एट द रेट ऑफ 2 ओमेगा सैंपल्स पर सेकेंड। इतनी लंबी छोटी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू का डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 2 ओमेगा है तभी हम उस पर्टिकुलर सिग्नल को जो भी सैंपलिंग से किया गया है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये रिकवरी की बात बता रही है, अगर fs ग्रेटर देन 2 ओमेगा है तो हमारी ओवर सैंपलिंग है, हमारे जो ये एक कंपोनेंट है इसके बीच में गार्ड बैंड आ जाएगा, तो हम इन हर एक वैल्यूज को अलग अलग रिकवर कर सकते हैं। अगर हमारी fs इक्वल टू 2 ओमेगा है तो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट सैंपलिंग है, यानी बीच में कोई गार्ड बैंड नहीं है और हमारे जो वैल्यूज है उनके बिल्कुल बराबर हमारी कंपोनेंट के बराबर एक दूसरे के आ रहे हैं। अब fs अगर लेस देन 2 ओमेगा है तो हमारी अंडर सैंपलिंग है, यानी हमारा एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स हो रहा है, इसलिए हम कंपोनेंट को रिकवर नहीं कर सकते, अपने सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में देख रहे हैं जो क्रॉस कर रहा है इसको हम अलाइजिंग कहते हैं। अब आपसे सबसे पहले जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं या क्वेश्चन आते हैं वो ये कहते हैं कि सैम्पलिंग थ्योरम है वो क्या कहती है, तो सैम्पलिंग थ्योरम कहती है एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एफ एम और 2 ओमेगा। नेक्स्ट रिमूव, अगर हमारी एफ एस लेस देन 2 ओमेगा तो कौन सा इफेक्ट क्रिएट होता है, अलाइजिंग। थर्ड क्वेश्चन, अलाइजिंग को रिमूव कैसे कर सकते हैं। अलाइजिंग को रिमूव करने के दो तरीके हैं, सबसे पहला तो थ्योरम के अंदर ही बताया है एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एफ एम, और सेकंड लो पास फिल्टर को यूज करना। लो पास फिल्टर के अंदर से क्या होता है, सिर्फ हमारे जो लो पास लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको हम पास कर देते हैं और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको छोड़ देते हैं, तो हमारे ये वाला सिग्नल हमारा रिकवर हो जाता है, इसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर विद द लो फ्रीक्वेंसी एंड अपीयर्स एज लो फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अलाइजिंग इफेक्ट। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की तरह अपीयर हो रहा है, इस चीज को हम कहते हैं अलाइजिंग। ये मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पैम पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एट द सैंपलिंग इंस्टेंट। इसके अंदर विड्थ और डिस्टेंस एंड पोजिशन एंड पीपीएम। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स का वो है क्वांटाइजेशन नॉइज स्टेप साइज। इस चीज के ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ये एनकोडर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, मैं सिंपलिसिटी के लिए क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के ऊपर हार्डली कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसमें स्किप कर रहा हूँ, तो फास्टर इक्वेशन। ओके, तो अगर आप मान लीजिए जो एनकोडर की प्रॉपर्टी है, मैं मान के चल रहा हूँ एक एनकोडर है और हमारे पास जो एन है, एन मतलब नंबर ऑफ बिट्स है और टू है, तो नंबर ऑफ लेवल्स हमारे क्वांटाइजर के आएंगे, उस एनकोडर की प्रॉपर्टीज है ये 2 की पावर एन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो उसके कहां से आया, क्योंकि हम 2 नंबर ऑफ बिट्स लेके चल रहे हैं। तो अगर आप ये डिटेल से चाहे नोट से समझ सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन वैसे इस टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ आपका जो स्टेप साइज है ये क्वेश्चन के अंदर आता है निकालना। स्टेप साइज क्या होता है हमारा, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन 2 की पावर एन और वी पीक टू पीक बाय 2 की पावर एन, एन हमारे नंबर ऑफ बिट्स। अब हम इसको इस एग्जांपल से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमने सपोज 8 वोल्ट से 0 वोल्ट तक का हमारा सिग्नल था, तो पीक टू पीक वोल्टेज हमारी क्या होगी 8 वोल्ट और वी मैक्स हमारा क्या है 8 वोल्ट, वी मिनिमम क्या है 0 वोल्ट। तो 8 वोल्ट अपॉन 2 की पावर एन, एन क्या है हमारा 2, तो 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। तो यानी हमारा स्टेप साइज है, स्टेप साइज क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटाइज्ड वैल्यूज। तो जो क्वांटाइज्ड वैल्यू में ले रखी है 1, 3, 5 और 7 ले रखी है, तो इन जो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको हम कहते हैं स्टेप साइज, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस जो कि 2 है, और अगर हम इस फॉर्म में से निकालें ये भी 2 आ रहा है। क्वांटाइजेशन एरर क्या है हमारी, एम क्यू, यानी सपोज अगर हमारी एक वोल्टेज है 2.3 वोल्ट, अब 2.3 वोल्ट से ऊपर जो क्वांटाइजेशन लेवल है वो 3 वोल्ट का है, तो हमने आगे उसको वैल्यूज को ले लिया 3 वोल्ट, जबकि हमारा एक्चुअल सिग्नल कितना था 2.3 वोल्ट। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज
0.7 volt would be called as quantization error. और आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमारी sample value 0.7 है, तो हमारी quantize level इसके ऊपर वाला 1 है, तो हमारी error क्या होगी? 1 minus 0.7 that is 0.3. इसे हम कहेंगे quantization error. Next सबसे important चीज़ है वो आती है types of quantizer. दो types के हमारे पास quantizer होते हैं, uniform quantizer and non-uniform quantizer. Uniform quantizer. If the step size is constant over the complete amplitude range, then called as uniform quantizer. अगर हमारा step size पूरी complete range के ऊपर constant रहता है, तो उसे हम कहते हैं uniform quantizer. इसके अंदर एक exception आती है जब हम start करते हैं और जब हम end करते हैं. तो initial और final values के लिए हमारा non-uniform हो सकता है, बाकी पूरी range के लिए uniform होगा. इसके भी दो टाइप्स हैं, मिड ट्रेड यूनिफॉर्म क्वांटाइजर एंड मिड रॉइस. ये आपको करने की जरूरत नहीं है स्मॉल लेवल एग्जाम्स के लिए, ग्रेट लेवल एग्जाम्स के लिए हम इसको करेंगे. अभी इसको हम छोड़ देते हैं. आपको बस ये याद रखना है जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है दोनों ही टाइप के अंदर, वो हमारी है डेल बाय टू. तो इन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर दैट वी कैन गेट is equal to del by 2, where del is the step size. Next, a non-uniform quantizer. In this, the step size is not fixed. The step size is small at low input signal level and the quantization error is also small at these input. Step size is high at higher input level. Us cheez ko hum kehte hain non-uniform quantization. Next, a compounding. Compounding bahut hi important hai interview questions ke liye. स्मॉल एग्जाम्स जैसे डिप्लोमा लेवल एग्जाम्स है, गेट है, यूजीसी नेट है, इन सब स्मॉल एग्जाम्स के लिए जहां पे थ्योरेटिकल ज्यादा आता है. तो कंपाउंडिंग का मतलब है कंप्रेशन प्लस एक्सपेंशन. टू मिनिमाइज नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इज टू कीप द सिग्नल विद इन लीनियर ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टू नॉन लीनियर डिवाइसेस दैट आर कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर. कंप्रेशन कहाँ होता है एट ट्रांसमिशन साइड एंड एक्सपेंशन कहाँ होता है रिसीवर साइड. इन कंबाइंड प्रोसेस को हम कह देते हैं कंपाउंडिंग. तो कंपाउंडिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी? कंपाउंडिंग हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर है. स्टेप साइज को हम फिक्स नहीं रखते हैं क्योंकि जब स्मॉल होता है और अगर हमने स्टेप साइज फिक्स रखा हुआ है तो हमारी क्वांटाइजेशन एरर बढ़ जाएगी. ऐसे ही अगर हमारा सिग्नल की वैल्यू ज्यादा चेंज हो रही है और स्टेप साइज हमने छोटा रखा हुआ है तो भी इसकी वैल्यू क्वांटाइजेशन एरर की इंक्रीज कर जाएगी. तो इस चीज से बचने के लिए हम करते हैं कंपाउंडिंग. उसके बाद कंपाउंडिंग के दो लॉज हैं, म्यू लॉ कंपाउंडिंग जो कि आपको याद रखना पड़ सकता है, यूएस एंड जापान के अंदर यूज हो रहा है. म्यू एक्स इसका 255 है, वी आउट इसकी इक्वेशंस आप याद रख सकते हैं. ऐसे ही ए लॉ कंपाउंडिंग, तो इनकी इक्वेशंस आप याद रख सकते हैं. कंपनीज कंपाउंडिंग इज यूज्ड इन टेलीफोन सिस्टम टू रिड्यूस नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन एंड ऑल्सो टू कंपनसेट सिग्नल लेवल डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड लाउड टॉक्स. जो एक नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था उस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारी कंपाउंडिंग यूज हो रही है. कंसिडर एन एन बिट पीसीएम सिस्टम आप ये छोड़ सकते हैं. आप नेक्स्ट जो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए बिट रेट. बिट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड इज कॉल्ड एज बिट रेट्स. अब नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन ईच सैंपल इज एन, एन बिट्स पर सैंपल हम यूज कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड क्या है एफएस. तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड यानी बिट रेट हमारा हो जाएगा एनएफएस. तो आप इसे याद रखें, आरबी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बिट रेट को. नेक्स्ट है पीसीएम, डीपीसीएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन. सबसे पहले ये कोई मॉड्यूलेशन टेक्निक्स नहीं है, बस इनका नाम के अंदर मॉड्यूलेशन आ रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. PCM is not a modulation technique. It is just analog to digital conversion methods. PCM stands for pulse code modulation, analog to digital conversion के लिए. Next है DPCM, differential pulse code modulation and delta modulation and adaptive delta modulation. All these are methods to convert analog signals into digital signals. ये सब analog signal को digital signal में convert करने के methods हैं. अब इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है. इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो हम स्टडी करेंगे उन्हें. नॉइज इन पीसीएम, तो जैसे मैंने आपको बताया अगर हमारे सिग्नल की वैल्यू है 7.3 वोल्ट
और हमारा मान लो क्वांटाइजेशन लेवल है, यानी जो डिफाइंड लेवल है वैल्यू का होना चाहिए वो 8 वोल्ट है, तो एक जो एरर आएगा 0.7 वोल्ट का वो हमारे क्वांटाइजेशन नॉइज को पैदा करता है। तो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर बाय 12, वेयर डेल क्या है हमारा स्टेप साइज। ये कैसे निकला उसे आप छोड़ दीजिए, जस्ट इसे क्रैम कर दीजिए, एक फैक्ट है। नेक्स्ट डेल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था vp = 2 raised to power n, और vp को कैसे निकाल सकते हैं हम इस डायग्राम से, ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये हमारा मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे am इसको डिनोट कर रहा है, तो वो इसके इक्वल होगा a स्क्वायर अपॉन 3 * 2 raised to power 2 n। ये बेसिक फॉर्मूला आप इसे याद रख सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम से पूछ जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज ड्यू टू क्वांटाइजेशन नॉइज। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सिग्नल टू क्वांटाइज्ड नॉइज रेशियो, यानी कंपैरिजन है सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर का, ये इसकी वैल्यू सिर्फ ये है 3 * 2 raised to power 2 n/2। अब ये हमसे पूछ लिया जाता है ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी ये डीबी के अंदर है, जितने भी हमारे सिग्नल नॉइज पावर के कंसेप्ट आएंगे उनके साथ डीबी यूनिट्स होती है, और डीबी यूनिट्स के अंदर ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसका 10 log 10 ले लेंगे इस वैल्यू का, और ये हमारा आ जाएगा 1.8 + 6n, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म। बट जो ये वैल्यूज है ये तभी है जब हमारा सिग्नल हमारा साइनोसोइडल फॉर्म का होता है, अगर हमारा सिग्नल साइनोसोइडल फॉर्म का नहीं है तो जो सिग्नल टू क्वांटाइज्ड नॉइज रेशियो आएगी वो हमारी आएगी 4.8 + 6n। इससे आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, सिर्फ n हमारा नंबर ऑफ बिट्स है, अगर आप इसे फॉर्मूला में रखोगे तो आपका डायरेक्ट SQONR निकल के आ जाएगी। ये मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों फॉर्मूलाज 1.8 + 6n और 4.8 + 6n आप याद रख सकते हैं। अब हमें DPCM यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसका आंसर यहाँ से आता है, फॉर ईच n SQONR इंक्रीजेस बाय 6 dB, और SQONR का क्या होता है सिग्नल पावर बटे नॉइज पावर, इसलिए ये n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। अब जब हमें सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो बढ़ानी है तो हमें नॉइज पावर को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हम सिग्नल पावर को बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि इससे हमारी पावर वेस्ट होती है। तो नॉइज पावर क्या है हमारी डेल स्क्वायर बाय 12, यानी नॉइज पावर को डिक्रीज करना है तो हमें डेल को डिक्रीज करना है। अब डेल क्या है हमारा vp / 2 की पावर 2 n, यानी अगर डेल को डिक्रीज करना है तो हमें n को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि लॉजिकल भी है, जब हम नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ा देंगे तो हमारे जो क्वांटाइज्ड लेवल हैं वो हमारे नॉर्मल वैल्यूज के काफी क्लोज हो जाएंगे और हमारी क्वांटाइजेशन एरर कम हो जाएगी, जिसके कारण क्वांटाइजेशन नॉइज हमारी कम हो जाएगी, दस नॉइज पावर हमारी कम हो जाएगी और सिग्नल टू क्वांटाइज नॉइज रेशियो हमें हमारी बढ़ जाएगी। बट इसके कारण क्या होता है हमारा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड जो होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब n बढ़ेगा तो हमारी जो बैंडविड्थ थी वो थी NFS, मैंने अभी बताया आपको बिटरेट, वो भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम यूज करते हैं DPCM। DPCM के अंदर क्या होता है, इज अ प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल इन विच एन एनालॉग सिग्नल इज सैंपल्ड एंड देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सैंपल वैल्यू एंड इट्स प्रिडिक्टेड वैल्यू इज क्वांटाइज्ड एंड देन एनकोडेड फॉर्मिंग अ डिजिटल वैल्यू। इसके अंदर हम जो दो सिग्नल्स हैं, एक पिछला सिग्नल और एक जो प्रेजेंट का सिग्नल है, हम दोनों के बीच का डिफरेंस भेज रहे हैं, जिससे के अंदर जो सिग्नल की वैल्यू एकदम चेंज नहीं होती, वो आसपास होती है, तो उसमें से कुछ रिडंडेंसी निकाल के हम सिग्नल्स को आगे भेजते हैं, उसमें हमारा बैंडविड्थ कम रिक्वायर होती है, इसे हम कहते हैं DPCM। अब DPCM की एक बहुत मेन फॉर्म है डेल्टा मॉड्यूलेशन, इसके अंदर क्या कंसेप्ट है डिफरेंस इसमें भी भेज रहे हैं, लेकिन हम पर सैंपल 1 bit भेजते थे, पिछले वालों के अंदर हम क्या भेज रहे हैं पर सैंपल, मैंने आरबी में भी आपको कैलकुलेट करते हुए बताया था नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज n थी। डेल्टा मॉड्यूलेशन एक स्पेशल केस है जिसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज 1 है, 1 bit पर सैंपल, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि वो देखते हैं, हमें ये देखना है कि सिग्नल हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम 1 bit इसलिए भेजते हैं कि वो हमारा डेल्टा से हमें स्टेप साइज इंक्रीज करना है या डेल्टा से स्टेप साइज डिक्रीज करना है, तो इसकी आउटपुट सिर्फ प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा होती है, तो ये आप इसे ट्रांसफर मैट्रिक्स में देख सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले है स्लो ओवरलोड डिस्टॉर्शन, ये क्या कहता है
the rate of rise of input signal is so high, then the staircase approximation is not performed. मतलब जो हमारा input signal है और उसका एकदम rate of increase ज्यादा है, तो हम इसको delta modulation से, यानी uniform step size से approximate नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा error आती है. इस error को हम कहते हैं slope overload distribution, SOD. To reduce this error, step size should be increased. तो ये इसकी condition आ गई. Del by TS, where TS हमारा sampling period है, should be less than D by DT of MT. MT is the modulating signal. Next है granular noise. When step size is too large compared to small variation in input signal, this error is called as granular noise. इसके लिए remove करने के लिए granular noise occur if del by TS greater than D by DT of MT. इसलिए हमारा del by TS should be less than equal to D by DT of MT. और ये less पे होती है, ये equal होती है, तो हमारा equal होना चाहिए. Del optimum upon TS is equal to D by DT of MT. Next important point है, based on the time of message signal or modulating signal, del op can have different value. Case 1 आप देखिए, MT अगर हमारा 80 है, तो हमारा del optimum 80s आ रहा है, और अगर AM cos 2 pi FMT है, तो हमारा ये आ रहा है. Next है, adaptive delta modulation. जो पीछे ये दोनों error आई हैं, इनको remove करने के लिए हम क्या कहते हैं? When input signal is changing fastly, the step size हम increase करते हैं, और changing slowly हम step size decrease कर देते हैं. तो इस चीज को हम कहते हैं adaptive delta modulation. तो एक just general idea लेना है आपको delta modulation, adaptive delta modulation. ये चीज ध्यान रखनी है आपको, delta modulation के अंदर सिर्फ एक ही bit होती है example के अंदर, और PCM के अंदर n bits होती हैं. इनकी bandwidth याद रखनी है, और signal to quantize noise ratio याद रखनी है आपको, और step size की values आपको याद रखनी है. Next है मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ मोर देन वन सिग्नल थ्रू द सेम कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, एफडीएम, टीडीएम एंड सीडीएम. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड कॉर्ड डिवीजन. सबसे पहले हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल लिए, मैसेज सिग्नल गया, मैसेज सिग्नल गया, लो पास फिल्टर लगाया, और ये निकाल दिया अलग अलग सिग्नल. ये ट्रांसमीटर है हमारे, इनको एक अलग अलग टाइम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने इनको मल्टीप्लेक्स कर दिया, और बैंड पास फिल्टर जहां हमें पता होगा इनकी फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. विदाउट गार्ड बैंड ये ऐसे दिखेगा, और विद गार्ड बैंड हमें ऐसे दिखेगा. इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, bandwidth of a channel is defined as the range of frequencies that the channel is capable of transmitting without any distortion. In order to multiplex more number of signals through a channel, channel bandwidth must be as high as possible and signal bandwidth must be as low as possible. इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि दो टाइप की bandwidth है, एक channel की bandwidth, एक signal की bandwidth. Signal की bandwidth वो है जो हमें required है signal transmit करने के लिए, और channel की bandwidth वो है कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स ये अकोमोडेट कर सकता है. नेक्स्ट है, एफडीएम इज ओनली यूज्ड ओनली फॉर एनालॉग सिग्नल्स. ये बहुत ही मेन पॉइंट है. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल्स एंड टीडीएम इज यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल्स. इसके अंदर अलग अलग टाइम के ऊपर, जो कि ये देख सकते हैं सिंक्रोनस है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, एनकोड करता है, और अलग टाइम पे इसको रिसीव कर लेता है. इसके अंदर भी हमारा जो बिट रेट है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड सिग्नल n इनटू nfs, जो हमारा एक सिग्नल का बिट रेट है. तो ये आप ध्यान रखेंगे, TDM के लिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन जो हमारी होती है, ASK, FSK, PSK. तो जब भी आप डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे आपको बारी-बारी दिखता है बेसबैंड ट्रांसमिशन, पासबैंड ट्रांसमिशन. तो इनको अगर हमें एक लाइन के अंदर डिफाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे? बेसमेंट ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन है जिसमें हमारा गाइडेड चैनल यूज होता है एंड डिजिटल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड. पासमेंट ट्रांसमिशन हमारा वो है जिसमें अनगाइडेड चैनल यूज होता है एंड एनालॉग सिग्नल इज ट्रांसमिटेड.
तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बेसमेंट ट्रांसमिशन एंड पासमेंट ट्रांसमिशन में. इन डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन पासमेंट ट्रांसमिशन इज डन. और डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमारे पास एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फेज शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, QPSK एंड 8PSK. अब इन तीनों के अंदर आपको कोई भी ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई और चीज इनके डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है. एक सिंपल डिफरेंस है ASK, PSK और FSK के अंदर, ये आप क्रैम कर लीजिए. ASK क्या कहता है? इट यूजेस ऑन ऑफ सिग्नलिंग, इट यूजेस NRZ, नॉन रिटर्न टू जीरो सिग्नलिंग, एंड सेम एज नॉन रिटर्न टू जीरो सिग्नलिंग. इसके अंदर वैल्यू क्या होती है? जब वन है AC cos 2π FCT, एंड इसमें जीरो, ये ऑन ऑफ सिग्नल है. ऑन के अंदर वैल्यू आएगी, ऑफ के अंदर जीरो. नॉन रिटर्न टू जीरो, इसके अंदर वैल्यू सिग्नल की जीरो नहीं होगी, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगी AC और नेगेटिव में इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जब जीरो आएगा. सिमिलरली इसके अंदर अलग अलग होगी, A cos 2π f1t, AC cos 2π f2t. अब नेक्स्ट है बैंडविड्थ, आपने इनकी याद रखनी है. इसकी 2RP, इसकी f1 - f2 + 2RP. अब एम्पलीट्यूड के अंदर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी और फेज कॉन्स्टेंट. फेज में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट, फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड फेज कॉन्स्टेंट. अब एनर्जी क्या होगी? ये आपको याद रखना है. वन के लिए बिट एनर्जी जो इसकी है, ये वैल्यूज ऐसी इसके लिए दोनों के लिए सेम है और इसके लिए भी दोनों के लिए सेम है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ASK में ज्यादा है, PSK में कम है और FSK में कम है. अब किसी भी सिग्नल को अगर आपने, किसी भी सिस्टम को अगर आप यूज करना है, तो आप उसमें हम क्या चाहेंगे? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो सबसे कम होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम PSK या FSK यूज करेंगे. एंड जो सेकंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फैक्टर आता है वो हमारा आता है बैंडविड्थ. तो उसकी बैंडविड्थ हमारी कम होनी चाहिए. अब इन दोनों से बैंडविड्थ इसकी कम है तो इसकी, तो PSK इज मोस्ट वाइडली यूज बिकॉज ऑफ इट्स लो बैंडविड्थ एंड लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. FSK is not preferred practically because of high bandwidth. Multiplexing of more number of signals is not possible. Next है M array sampling. Suppose आपका कोई system है QPSK. QPSK के अंदर जो ये first part है, QE से हम कहते हैं M. M is equal to 4. तो जो number of encoded bits है वहां से हम ऐसे निकाल सकते हैं N is equal to log 2 M. तो log 2 4 क्या आएगा? 2 log 2 2. तो यहां से आ जाएगा 1. तो नंबर ऑफ एनकोडेड बिट्स हमें कितनी चाहिए? 2. ये न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. तो नंबर ऑफ आउटपुट कंडीशन हमारे यहां से क्या निकल जाएंगी? n इज इक्वल टू log 2 m. बैंडविड्थ हमने निकालनी है, तो हमारा बैंडविड्थ निकालने का वो अपना 2RB / log 2 m. ऐसे अगर आप देख सकते हैं तो आप किसी भी चीज की आप बैंडविड्थ निकाल सकते हैं, BPSK, QPSK, 8PSK. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉड रेट ऑफ m array सिग्नलिंग. बॉड रेट कैसे है हमारा? बिट रेट अपॉन log 2 m. अब आप किसी भी सिग्नल का बॉड रेट निकाल सकते हैं. तो एक ये जनरलाइज्ड फॉर्मूले है, ये आपके हमेशा आपको अलग अलग चीजें याद रहने की जरूरत नहीं है. तो आप QPSK, 8PSK, 16PSK से ये कोई भी वैल्यू के लिए आप निकाल सकते हैं. तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप m array सिग्नलिंग के लिए याद रखिएगा. n is equal to log 2 m, bandwidth is equal to 2RP upon log 2 m, baud rate is equal to bit rate upon log 2 m. ये तीनों ही फॉर्मूले आपकी m array सिग्नलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि BPSK के लिए बैंडविड्थ क्या होगी, फिर पूछ लेंगे QPSK के लिए बैंडविड्थ क्या होगी, 8PSK के लिए बैंडविड्थ क्या होगी. तो आप 16PSK, 32PSK किसी चीज के लिए भी आप बैंडविड्थ निकाल सकते हैं. ऐसे फॉर्मूलाज आ जाते हैं. तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद रखने हैं. आज के लिए इतना ही. फॉर मोर टिप्स सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपीरियंस रूट. थैंक यू.